नवी मुंबई नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी निरूल प्रभाग क्रमांक 96-97 में गणेश भगत के माध्यम से अभिष्ट चिंतन सोडा और भव्य हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के तौर पर मौजूद थे ऐरोली के विधायक और नवी मुंबई चुनाव प्रचार प्रमुख गणेश नायक, बेलापुर विधायक मंदा मात्रे समेत पूर्व महापौर जयवंत सुथार, पूर्व सांसद संजीव नायक, नवी मुंबई भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, रविंद्र थापे, सूरज पाटिल, रूपाली भगत, सुजाता पाटिल समेत असंख्य कार्यकर्ता। इस दौरान सभी मान्यवरों की उपस्थिति में गणेश भगत ने अपने नेता के हाथों से जन्मदिन का केक कटवाकर अपना जन्मदिन मनाया। गणेश नायक के सबसे निष्ठावान कार्यकर्ता गणेश भगत आज जनता की कसौटी पे खरा उतरते हुए अपने प्रभाग के विकास की घुड़दौड़ को लगातार आगे ले जा रहे हैं। कोरोना काल में उनके और रूपाली भगत द्वारा किए गए कार्यों से आज प्रभाग की जनता के साथ उनके आत्मिक रिश्ते और मजबूत हो चुके हैं। ऐसे में मंच पर उपस्थित गणेश नायक और मंदा मात्रे ने गणेश भगत और रूपाली भगत के कार्यों की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि आज भी उनके कार्यों का प्रभाग में दबदबा रहा है और आगे भी पार्टी उन्हें पूरी ताकत देने का काम करेगी। गणेश भगत हराचा कार्यकर्ता है, धर्म जात पंत वर्णाच्या पलीकडे जाऊन माणुसकी धर्माचं जतन करत नुसत्या ह्या नेरूळ परिसरातनं तर मुंबईतल्या विविध भागामध्ये अडल्या नडल्या लोकांना मदत करणारा हा कार्यकर्ता, ह्या गणेश भक्ताचा वाढदिवस आहे त्याला शुभेच्छा देण्याकरता आम्ही आलो होतो। आणि मी माझ्या भाषणात सांगितलेलं की तुझ्या सामाजिक राजकीय प्रवासामध्ये आम्ही तुझ्याबरोबर कायमचे तुझा पाठिंबा देत राहू अशी इच्छा व्यक्त केलेली आहे। मी आज गणेश दादा भगत यांचा वाढदिवस होता आणि रूपाली किस्मतराव नगरसेविका या दोघांचे अतिशय उत्तम काम आहे, म्हणूनच ही जी जनता आली ना ती त्यांच्या प्रेमापोटी आलेली आहे आणि हेच प्रेम आपल्याला दाखवून देईल येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये। मी आता काही जास्त बोलत नाही, पण या प्रेमाची पोचपावती आज गणेश भगतला मिळालेली आहे। आगामी चुनाव में जनता की कसौटी पे खरा उतर कर विकास की घुड़दौड़ को आगे ले जाने का आश्वासन देकर गणेश भगत ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। आज हरदैवत गणेश नाईक साहेब यांचाच मला आशीर्वाद आहे आणि त्यांच्याच कृपेने सर्व ही जनता ही त्यांच्या कृपेने मला आशीर्वाद देतात, त्यांच्या कृपेने माझं भलं होणार आहे। मला भरपूर विश्वास आहे, लोकांनी आज 10 वर्ष माझा प्रेम केलेला आहे, सतत 10 वर्ष प्रेम केलेलं आहे, यांचा प्रेम सतत माझा 10 वर्ष आहे आणि आज हसणार आहे, मला एवढंच आशा आहे। यह खास पल और विशिष्ट बनाने के लिए गणेश भगत द्वारा अनाथ आश्रम स्कूल के बच्चों को फलों का वितरण, प्रथमेश सोसाइटी सेक्टर 16A में रोड के डांबरीकरण के कार्यों की शुरुआत और विभाग के विद्यार्थियों के लिए डे एंड नाइट अंडरआर्म क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन गणेश भगत द्वारा जोशो खरोश के साथ किया गया। इस दौरान इस कार्यक्रम में लोगों का हुजूम इस बात को साबित कर रहा था कि गणेश भगत रूपाली भगत के साथ प्रभाग के आत्मिक रिश्ते कितने मजबूत हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मी नेटवर्क।